मुझे लगा तो चाय बना रही है। नो, मैं तो पहले की किचन को सेट कर रही थी। थोड़ा ना किचन भरी भरी सी लग रही थी यार मुझे तो खुद को ही, तो मैंने सोचा पहले एक बार इसको सही कर देती हूँ, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे। अभी ठीक है, होगी खाली? बस हो गई है खाली, तो लगभग तो खाली। दूध दूध नहीं उबाला तूने अभी? नहीं अभी, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। हाँ ये बढ़िया है, मुझे तो ये पसंद आया क्योंकि यूजफुल है काफी ज्यादा किचन क्लीन करने के लिए। ये वाला रोल लिया है मैंने तो, ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बेस्ट है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर अभी अभी तो हमारी किचन वैसे ना क्लीन करने वाली हो रखी है, ये सारे के सारे इसकी ये हम क्लीन करेंगे फिर से किसी दिन किचन खोल के बैठेंगे। पानी खा रहा है ना यहाँ पे, तभी हो जाते हैं। मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रही, बस ये किचन वो कपड़ा लगाया, मतलब आज नहीं करूंगी, कल परसों एक दो दिन में जब भी टाइम लगेगा हम तब किचन क्लीन करेंगे अच्छे से, इस वाले कपड़े से करेंगे, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। दूध का है? दूध वो रहा आपने बाद में, तू बना दे। चाय के साथ पहले मैंने तो पोहा, एक पोहा ही बना लेते हैं। वैसे मैंने एक रेसिपी देनी है बट वो आज नहीं, मैं कल बनाऊंगी वो वाली रेसिपी, तो पर आज हम पोहा ही बना लेते हैं। और मैं ये वाला सारा सामान ना इधर सेट कर दी हूँ क्योंकि ना वहाँ पे किचन भरा भरा सा रहता है, ये वैसे ही पड़ा है, जब निकालना होगा यूज करना होगा तो यहाँ से निकल जाएगा ना। ठीक है, ऐसे किचन भी भरा भरा रहेगा। ये टोस्टर भी, पोहा बनाना है ओट्स? मम्मी मैंने तो ऑरेंज वाली गाजर कट करके रखी हुई है, मटर भी निकले हुए साथ में किया था हमने, मटर तो मैंने करे थे पता है, मटर मैंने किए थे डोली पता है। आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप ना ऑरेंज वाली गाजर जो होती है जैसे आप पोहे या ओट्स में डालते हो ना, कट करके रख लो, कट करके रख लो, जब आपको कुछ बनाना होता है ना इजीली बन जाता है, मतलब तो उसमें ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा कि आपको बार बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमने जब से काट के रखे हमने कुछ बनाया नहीं उसका, ये बात अलग है। हाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं बनाया अभी तक। हाँ, ये बात अलग है कि हमने कुछ देख कुछ सही भी है, खराब होगी सही पड़ी होगी बिल्कुल। अब यहाँ पे ही सही है, ये ना इधर से निकाल लेंगे सामान जब भी जरूरत होगी। ठीक है, ठीक है। अब तुम इधर कुछ रखना मत फिर, ये बंद हो जाए। हाँ डोली से ऐसे ही रहने दे, लटका के ही रख दे थोड़ा। अब ये यहाँ से ना ये पूरा किचन खाली हो गया, खाली हो जाएगा, अब फिर भरा भरा नहीं लगेगा। ये जो है थोड़ा बहुत सेट कर देते हैं, बन जाएगा अभी बर्तन। अब हुआ है किचन खाली खाली, अब हो गया है बिल्कुल खाली, खाली है शीशी। थोड़ा सा इसमें मिल्क विल्क डाल के निकाल लेना ना कुछ। हाँ तुम कर ली होगी काम अपना, जो भी तुझे मिल्क डाल के इसको घुमा दियो, फिर इसको आइसक्रीम घुमाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी चीज में यूज कर लेंगे। ये भी रख दे, बस हो गया किचन खाली। अभी ये बर्तन जो है थोड़े वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हो गया प्लान चेंज, अभी मैं बना रही हूँ चाय और डोली बना रही है रोटी, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि पोहा खाने का मन नहीं है, ओट्स भी मन नहीं है, रोटी खानी है, तो इसलिए आधा अब हम भी रोटी खाएंगे। मेरे को भी रोटी ही खाने का मन है, पराठे अजवाइन वाले खाएंगे ना, बहुत टाइम से परोठे नहीं खाए हमने, 2 महीने से परोठे नहीं खाए गाइस। हाँ सच में, सच में 2 महीने से परोठा नहीं खाया, आज खाएंगे हम परोठे। 2 महीने से ब्लॉगिंग नहीं करी ना, इसलिए परोठा खाने का भी नहीं मन किया। और आलू के तो कितने महीने हो गए नहीं खाए हमने, ना आलू के ना गोभी। चल गोभी तो वैसे भी गर्मियों में कीड़े हो जाते हैं, गोभी तो खाते भी नहीं है, बट हमने और किसी चीज से नहीं खाए, प्याज के भी नहीं खाए, नहीं खाए, रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। वो तब फिर भी आप कमेंट्स में बता रहा, फिर भी मैं पतली नहीं हुई हूँ, फिर भी मैं मोटी हो गई हूँ, और बल्कि मैंने अपनी डाइट पर बहुत कंट्रोल कर रखा है, अब फिर भी मैं मोटी हो गई हूँ, पतली नहीं हुई, ये देखो। जबकि मैं परोठे भी नहीं खा रही, मैं बाहर का फास्ट फूड भी मैंने कम ही कर रखा है, मतलब बिल्कुल। अब तो बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत जैसे चिप्स वगैरह एक कभी बार कई बार खा ली, नहीं वो बीच में शुरू हो गए थे कुरकुरे खाने। हाँ वो भी अब हमने छोड़ दिए, हमें कुरकुरे इतने टेस्टी लगने लगे थे ना कि हम वो खाने लग गए थे, बट अब हमने वो भी छोड़ दिया, अब नहीं खाती मैं ऐसा कुछ भी। बट मैं अब आपको डाइट प्लान देना शुरू करूंगी अपने रूटीन की, डाइट हेल्दी डाइट टेस्टी वाली वो भी। हाँ कि मतलब आपका देख के मन भी करेगा कि हाँ हमें भी यही चीजें खानी है, तो मैं ऐसी कुछ डाइट दूंगी, आप भी खाओ वो चीजें। सो चाय में अभी हम लोग डालते हैं थोड़ी सी यहाँ पे दालचीनी, टेस्ट अच्छा आता है, बस मैं ज्यादा नहीं डालती, बस तो थोड़ी सी दालचीनी डाल देते हैं और अब डाल दो पत्ती और वो खाएं। और हाँ अभी हमने चाय डालनी भी बंद कर दिया, हमने चाय नहीं सॉरी वो चाय,
वो शक्कर यूज करते हैं। अब हम चीनी डालनी बंद कर दी, शुगर नहीं डालते अब हम, और अब हम शक्कर यूज करते हैं चाय में। A few hours later. यहाँ पर बनाई है हमने तोरी की सब्जी और यहाँ पे बन रही है चटनी। क्या क्या करा तूने चटनी के लिए? मैंने सिर्फ धनिया और क्या पुदीना, धनिया और अम्बी वो करके रखती अम्बी, बट वो बहुत कम है यार, छोटी सी है। तूने उस दिन खा ली थी? तूने खा ली थी वो थोड़ी सी बची हुई? वो तो जरा सी तो खाई थी, उससे क्या हो जाता। उससे मैं सोची थोड़ी कम चटनी बना लेते हैं। अभी प्याज टमाटर काटते हैं एक, और बस यही अम्बी है, इसके लिए तो कम ही डालना चाहिए फिर। नहीं इसको भी अच्छे से कर देते हैं ना, निकल जाएगी। लहसुन लहसुन तो नहीं डाल रहा? लहसुन हाँ दो चार कर लिया, दो चार कर लिया। प्याज बड़े बड़े दो तीन काट लिया, दो तीन इतने बहुत काट के दिखा, मेरे को नहीं पता ये तो कम लग रहे शायद। ओके मैं काट के दिखा दूंगी। एक प्लेट ले लेती हूँ, रोटी की भूख तो लग नहीं रही मुझे अभी। मैं तो सोच रहा हूँ तोरी 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 नहीं खा लेते चटनी के साथ। चटनी से ना ये है कि बस भूख लग जाती है। जब हम चटनी खाने लग, जब हम चटनी खाएंगे ना तो हमको ये हो जाएगा कि हमें रोटी भी मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे फिर हम रोटी की चटनी टेस्टी लगती है। बट चटनी तो होती टेस्टी है, ये अम्बी डाल के बस अपना। और सर्दी के लिए ना परफेक्ट है यार, सॉरी गर्मियों के लिए ना परफेक्ट है चटनी। सब्जी गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये हो जाता है ना कि गर्मी नहीं लगती और भूख भी लगती है, क्योंकि ना गर्मी में खाना खाने का मन नहीं करता। अच्छा चटनी होती है तो खाना खाने का मन करता है। यहाँ पे सोया हुआ रोल, 7 बजे घुमाए मैंने, बनाए थे उस वाले छोटे वाले मिक्सी जार में, मैंने गलती से बना दी, थोड़े से बड़े हैं बट बनी टेस्टी है। दही डाल के बनाई है, अच्छी लग रही है मेरे को तो, टेस्टी लगी है। मम्मी को भी अच्छी लग गया है ना, बट मुझे थोड़ी सी जो वो वाली होती है ना दरदरी दरदरी सिलवट टाइप वैसी पसंद है। सिलवट्टे में बना दे तू, सिलवट्टे में वो ज्यादा दूंगी मेरी दोनों खा लेंगे। हाँ तो यहाँ पे तोरी भी बना दी थी, अब हम जाके आराम से खाएंगे खाना और इसको रख देते हैं फ्रिज में। ठीक है, अब बाहर का तो खाते नहीं है तो मेरा बड़ा बहुत सा खाने का मन कर रहा है। तो ये चटनी बनी हुई है, वड़ा पाव भी बन जाएगा। इज्जत दे अगर तू देगी ना, नहीं वड़ा पाव के लिए वो कर सकते हैं ना, चटनी तो बनी हुई है, चटनी बनी पड़ी है, तभी तो मैं कह रही हूँ चटनी बनी पड़ी है। शाम को अगर मन किया तो बना लेंगे, वैसे भी वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उसकी रेसिपी ट्राई करूँ, तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, पर प्रॉपर व्लॉग ही बनाऊँगी मैं उसका रेसिपी वाला। तो देखते हैं अगर शाम को और लगा खाने का तो बना लेंगे आज, नहीं तो फिर कल बना लेंगे। ठीक है पहले सारी प्रिपरेशन कर लो ना डोली, तभी बनेगा ऐसे। हाँ, खड़े खड़े मत बनवा, एकदम से खड़े खड़े नहीं बनेगा। हाँ ये भी बात है, कोई नहीं फिर कल बना लेंगे आराम से। पाव पू भी लेने हैं ना, फिर आलू उलू भी उबालने हैं, फिर सारा काम भी करना है, तो कल कर लेंगे। ठीक है ना। A few hours later. So guys, welcome back to my channel. So guys, अब मैं अपने आज आपको मेरा न्यू लुक लग रहा होगा, क्योंकि मैं अपने हेयर ब्लो ड्राई करवा कर आई हूँ। ब्लो ड्राई नहीं, हेयर स्ट्रेट भी करे हैं, ब्लो ड्राई से करे हैं ना उन्होंने, उसी से हेयर ड्रायर से करे हैं। दिखाई इसका अपना हेयर कट वगैरह करवा लिया मैंने, इसका जबरदस्ती मैंने कहा तू भी करवा ले, क्योंकि इन्होंने खुद अपना करवाया तो मेरा भी करवा दिया। उन्होंने कहा ज्यादा लेंथ तो मैंने ज्यादा छोटी करवाई, बस आगे से थोड़ा सा कट करवाया ताकि थोड़े अच्छे लगे हेयर, थोड़े सेट हो गए ना बाल, स्ट्रेट हो गए। और वैसे तो आपको पता ही मेरे बाल तो कभी सेट होते ही नहीं है, हमेशा से ऐसे ही रूलते रहते हैं बेचारे मेरे बाल। अब देखती हूँ कि दो दिन, जैसे अब मनीर का बर्थडे आ रहा है तो वहाँ पे मैं रायकोट नहीं पटियाला, पटियाला फर्स्ट टाइम जा रही है डोली ना, मैं फर्स्ट टाइम पटियाला जा रही हूँ। एक्चुअली घर से मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी की तबीयत थोड़ी वीकनेस आ रही है, मम्मी का थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ी सी वो चल रही है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को वीकनेस है, और तन्नू की तो आईज में पिंपल निकल आया है, यहाँ पे आई पिंपल पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे चल ही यही रहा है, खेल चल रहा है, कभी मेरी आंख में आता है कभी उसकी आंख में हो रहा है, इसके भी अभी तक ढंग से गए नहीं, तेरे भी छोटा छोटा दिखता है, छोटा सा है, पहले बड़ा हो गया था ना। हाँ पहले बड़ा हो गया था, अब तो बहुत कम हो गए हैं, तो फर्स्ट टाइम जाऊंगी मनीर से, तभी मिली थी ना जब आए थे घर पे, वो तो जब छोटी सी थी तब मिले थे, उसके बाद ये आज मिलेगी। अच्छा उसके बाद अभी तक मिलना नहीं ना, दीदी भी चली गई थी यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मिलेगी अभी, फिर तो उसके थोड़े एक साल, कल एक साल की हो जाएगी, कल
कल खेलूंगी उसके साथ, देखते हैं उसकी रिएक्शन, देखते हैं कैसे खेलेगी। मजा आएगा, वो चली जाती है ऐसे तो सबके पास। मेरे ससुराल वालों से भी तो पहली बार मिलेगी, पहली बार नहीं सॉरी, पहली बार नहीं मतलब अभी उसी टाइम मिले थे ना, यहीं पे तो मिले थे, उसके बाद कहाँ तक मिले थे, उसके बाद तो अभी तक नहीं मिले, फिर आप कल ही मिलूंगी सबसे। और डोली ने अपनी तैयारी कर ली, आज डोली देखी जा रही थी मैं कौन सा सूट पहनूं कौन सा पहनूं, ध्यान ही नहीं ना, हम लोग वीडियो ही बना लेते मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मुझे मेरा एक सूट फिट, क्योंकि ना मेरी ना वेट कभी पुट ऑन कभी वेट गेन हो रहा है तो कभी वेट लॉस हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है डोली के साथ ना, यही चल रहा है। तो इस वजह से मेरे को कोई सूट की फिटिंग अच्छे से नहीं बैठी, फिर मुझे एक सूट था मैं वही पहन रही हूँ, बट वो अच्छा भी लग रहा है, और बाकी तो वैसे मैंने डिसाइड वही कर लिया, अभी तो वही पहनूंगी फिलहाल, वो कल ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा सूट पहनूंगी। हाँ। बट पहना तो परसों है, कल मैं यहाँ से जो पहन के जाऊंगी मैं आपको, कल हमारे साथ ही निकल चलेगी, कल मैं कंचन दियो जीजू के साथ ही जाऊंगी, साथ के साथ ही निकल लेंगे, देखते हैं कितने मुझे निकलेगी, बट मैं रेडी होके बैठ जाऊंगी, ठीक है ना, अच्छे से रेडी होके, अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो रखी है बाहर जाने के लिए, मिल रही घर पे ही है कब से, टाइम से 2 साल से। तो यहाँ पे बन रही है दाल खाने के अंदर, हरी टूटी दाल गाइस, मेरे को बहुत टेस्टी लगती है वाली दाल ना, हरा धनिया मिला ही नहीं यार, तेरे ऊपर अच्छा लग रहा है ऐसे, अच्छा लग रहा है फेस, अच्छा लग रहा है इससे तेरा ना, हाँ कर्ली कर्ली लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं, वो मुझे बोलता है कि आप हेयर कर्ल करा लो, नहीं नहीं आपकी बड़ी दीदी है क्या, कौन ये अच्छा आप इनकी सुनते हो, मैंने कहा हाँ मैं सुनती हूँ, मैं उसको क्या बताऊँ, जब कर्ल कराती है ये छल्ले से बन जाता है, मैंने कहा आप खुद भी तो मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो करवाओ, मैंने कहा नहीं मुझे कर्ल पसंद ही नहीं है, कर्ल में तो छोटे हो जाते हैं अभी, कर्ल में तो दिखते ही ना, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करवाना, अभी ठीक लग रहे थोड़े बहुत हल्के बहुत हो रहे ना इसलिए मैंने ये वाले, तेरे तो सही लग रहा है, जज तेरे पे ऐसे जजते हैं, जज रहे हैं, और अब मेरे को जल्दी से पैकिंग कर ले अपनी अपनी अपर लिप्स को, मैंने तंदुरुस्त है, आईब्रो नहीं करवाया, आईब्रो करवाई है मैंने, तेरी होगी पैकिंग फिर डोली मेरी, बाकी करने यार कपड़े तू डोली सेट कर, लेके जाऊंगी क्या पर्पल भाई, ठीक है जो ड्रेस है ना, चलो आ जाओ। A few hours later. So guys, अब तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली, अब जाके पैकिंग खत्म हुई है, मतलब डिसाइड कर रही थी कि क्या पहनूंगी, वैसे तो मेरा सिलेक्ट तो हो गया था सूट, बट मेरे को एक और सूट मिल चुका है, तो मैंने सोचा कि ना मैं वो वाला पहन लेती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छा लग रहा था, उसकी भी मतलब फिटिंग प्यारी आई है, तो मैं देख रही हूँ क्या पता मैं वही वाला सूट पहनूँ, तो अभी मेरी पैकिंग होगी, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और हम मिलते हैं अब आपसे कल सुबह मॉर्निंग में, अब मैं कल मिलती हूँ मैं आपको सुबह, और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे ये हेयर्स हैं ये ऐसे की ऐसे ही रहे, और आप बताना कि मेरे हेयर छोटे हुए या नहीं हुए लेंथ में, कितने हुए हैं, तो बताना आप मेरे स्टेप ये आगे से थोड़े से वो कट करे हैं, उन्होंने कहा था कि आपके हेयर दिखेगा नहीं जैसे पीछे से, वो तो कह रहा था बिल्कुल भी कर्ली नहीं होएंगे, बट ये इसलिए हुआ ना क्योंकि मैंने कान के पीछे कर लिया था, कोई नहीं थोड़ा सा तो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लूंगी कल, बट वैसे तो ठीक है अभी तो फिलहाल, तो क्या किया, तो मिलती हूँ मैं आपसे कल मॉर्निंग में सुबह, तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।